इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद काफी साल गुजारे आपने, उसके बाद भी चुस्ती फुर्ती आपके देखने एकदम वैसे की वैसी, क्या राज क्या है इसके पीछे? अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के. आपका फेवरेट गाना कौन सा है मैम? आजा रे परदेसी, मधुमती. सो नो सलमान, नो शाहरुख, नो आमिर. मेबी नो, ऑल द खान्स आर वेरी गुड, बट आई थिंक आमिर इज स्टैंड्स आउट. और आज इस मौके पर उनके साथ रहकर उनका जो फेलिसिटेट किया है, ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है. और आजकल तो आप देखते हैं, आजकल सिर्फ मुन्नी बदनाम में खुश हो जाते हैं लोग. बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. आज आपके नाम का इतना बड़ा शो है, Oh, I feel great. what more can I say? I'm so happy that my brother Deepak and Sulekha, his better half, and his strength, I must say, she's excellent. इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद काफी साल गुजारे आपने, उसके बाद भी चुस्ती फुर्ती आपके देखने एकदम वैसे की वैसी, क्या राज क्या है इसके पीछे? अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के. वैसे की वैसी हूँ, पता नहीं, ये भगवान की देन है भाई. आपके नाम का मतलब क्या है मैम, आज प्लीज बता दीजिए. बहुत ही सुंदर खूबसूरत मतलब है. वो कृष्ण जी ना, कृष्ण भगवान के गले में हमेशा वैजयंती माला पहने हुए हैं, और वैजयंती माला, वो जो माला है वो छोड़ते नहीं, गले में हमेशा, कृष्ण भगवान के गले में हमेशा है. कौन कौन से गानों की परफॉर्मेंस होने वाली है स्टेज पे, कुछ पता? हाँ हाँ, अभी गाएंगे ना, इतनी सुरीली आवाज से संजीवनी तो गाएगी. लेट देयर बी सम सस्पेंस आल्सो. वो खुद जानते हैं कि इतने गाने पॉपुलर हो गए हैं, और बहुत अच्छे गाने थे उस जमाने में, मेरे फिल्मों में बहुत अच्छे थे, हर एक गाना तो इतना अच्छा था, तो उन्होंने चूज किया है तो मैं भी सुनूंगी. आपका फेवरेट गाना कौन सा है मैम? आजा रे परदेसी, मधुमती. नैनीताल में जब शूटिंग हुई थी, बहुत सुंदर जगह पे, वो एक फॉग इफेक्ट बिमल दा ने क्रिएट किया था, तो मेरे फर्स्ट शॉट एकदम फॉग से क्लियर हो जाता है. फिर मेरे क्लोजअप में वो दिलीप साहब से पूछते हैं नाम क्या है, फिर मैं इतनी इनोसेंटली, एकदम बचपना है मुंह पे, तो मैं मधुमती कहती हूँ, तो वो तो बहुत सुंदर शॉट था. दिलीप साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिलीप साहब, वो तो एक बहुत ग्रेट महान आर्टिस्ट हैं, और ही इज अ लेजेंड, उनके बारे में सभी जानते हैं. और मेरी खुश नसीब थी कि मैंने बहुत फिल्मों में उनके साथ काम किया है, और हर एक फिल्म हिट हो गई थी. इन दिनों में, इस दौर में आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? आने जमाने में तो मैंने काम किया है ना तीनों ग्रेट्स के साथ, दिलीप साहब के साथ, फिर राज कपूर जी के साथ, और फिर देवानंद जी के साथ. थ्री ग्रेट्स आई हैव वर्क्ड, सो दैट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो नो सलमान, नो शाहरुख, नो आमिर. Maybe, you know, all the Khans are very good, but I think Aamir is, stands out. Aamir Khan. I like. क्या मुझे सब कुछ मिलता है, सब लोग आके मुझे फेलिसिटेट करते हैं, ये आज पहली बार मैं जिसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, उनको मुझे फेलिसिटेट करने का ये अवसर मिला, मेरे लिए बहुत ही मोस्ट हैप्पीएस्ट डे फॉर मी. अगर आपको याद है तो कौन सी है? गंगा जमुना याद आती है, और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, मेरी रोल मॉडल हैं, और इनकी अभिनेत्री क्षेत्र में सही या क्लासिकल भरतनाट्यम जो करती हैं, और बहुत सारी सिमिलैरिटी मेरे लाइफ के साथ, उनके लाइफ के साथ मेरा भी वैसे ही होता गया, ये जानबूझकर नहीं, लेकिन वैसे हुआ, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको,
बहुत बहुत फैन रही हूँ बचपन से, और आज जब संजीवनी जो गाना गा रही थी वो सब गाना सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन दिनों में मैं स्कूल में ये सब इसके ऊपर डांस करती थी, सो मेरे स्कूल में सब बोलते थे इसमें करो वैजयंती जी का गाना, सो आई रिमेम्बर ऑल दैट थिंग। और आज इस मौके पर उनके साथ रहकर इनका जो फेलिसिटेट किया है ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। मैं आपको ड्रीम गर्ल कहते हैं, वैजयंती माला जी को कौन सा शब्द आप देना चाहिए? ड्रीम वुमन। इसी फिल्म का कोई पर्टिकुलर सीन आप अगर बताना चाहेंगे? गंगा जमुना सुपर्ब, और मधुमती ऑफ कोर्स, और इनके बहुत ही सारे पिक्चर में इतना सब कुछ, संगम ब्यूटीफुल फिल्म। संगम इसलिए कि मुझे जब राज साहब ने पहली बार बॉम्बे में बुलाकर मेरा जो टेस्ट लिया था, स्क्रीन टेस्ट जब हुआ था, वो वैजयंती जी का ही उस जो संगम के कॉस्ट्यूम में उस सीन के ऊपर मेरा टेस्ट लिया था, नीचे लो सब तो मुझे बहुत ही याद। आज वैजयंती जी के इतने सारे गाने होते हैं, उसमें से आपका फेवरेट कौन सा रहा, कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? बांग के साथ तुम्हारा, दैट इज वन, एंड देन द ज्वेल थीफ का जो था वो तुम पे ऐसी बात, ये वेरी ब्यूटीफुल। और ये इतनी लकी रही हैं वैजयंती जी, इतना क्लासिकल डांसर हैं, और उनको बहुत सारे पिक्चरों में क्लासिकल डांस करने का अवसर मिला, लेकिन जब तक मैं फिल्मों में आई उस वक्त मुझे इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त काफ़ी मिक्स होके वो बॉलीवुड किस्म का गाना शुरू हो गया था। और आजकल तो आप देखते हैं, आजकल सिर्फ मुन्नी बदनाम में खुश हो जाते हैं लोग। उनके टक्कर का कोई अभी भी अभिनेत्री आपको लगती है अभी रीसेंट टाइम में जो चल रही हो? नहीं, उनके जमाने में शी वॉज द बेस्ट, वो जैसे कि वो अभिनय हो या नृत्य हो, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड एक्टिंग, शी वॉज द ओनली वन, वैजयंती जी ही एक ही एक आर्टिस्ट ऐसी थी, कलाकार जो दोनों कर सकती थी, कितने कैसे किसी भी किस्म का डांस हो, वेस्टर्न डांस हो या क्लासिकल, सब इतना अच्छा करती थी, प्लस शी वॉज अ वेरी फाइन वंडरफुल एक्ट्रेस एंड वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, इतनी खूबसूरत, इतने है कि मेरे ख्याल में अभी आजकल बहुत ही कम लोग इतने खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आज तक वो क्लासिकल डांस करती हैं, आज भी स्टेज पर परफॉर्मेंस करती हैं, दो दो घंटे तक स्टेज पर डांस करती हैं क्लासिकल डांस, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे देश के कितने भी औरतें हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, तो मुझे भी इनसे, इनको देखकर ही मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है, जब वैजयंती जी करते हैं तो मुझे भी डांस करना चाहिए, तो सब मुझे भी कहते हैं अरे अभी तक क्यों कर रहा, जब करने के लिए हिम्मत है, अगर ताकत है, जब वैजयंती जी करते हैं तो हमें लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ। कभी भी मौका आएगा जब आप स्टेज शेयर करें साथ में? शायद और बहुत साल पहले हो जाना चाहिए, अभी भी देर नहीं। टेल मी वो खुदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टेल मी वो खुदा अभी आ रही है दिवाली में, तो अभी काफी सोच समझ कर हम लोगों ने अभी तय किया है कि दिवाली में शाहरुख खान जी का जब रिलीज हो रही है उनके साथ साथ हमारी भी आ रही है, 27th को मेरा रिलीज हो रहा है टेल मी वो खुदा। तो बड़ा कंपटीशन आपको सामने नजर आता है? कंपटीशन वो उनके जगह में, वो उनका पिक्चर है और हमारा भी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, तो हमें पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर सिर्फ एक पिक्चर देखें, उनको तो और भी तो पिक्चर देखना है, तो जरूर हमारे भी पिक्चर देखने के लिए आएंगे, एंड आई ऑल्सो विश शाहरुख खान जी गुड लक फॉर फिल्म। इस बारे में शाहरुख, लता जी का बर्थडे आ रहा है, एक विश उनके लिए आपको? वो तो सरस्वती का अवतार है, जैसे अभी आपने वैजयंती माला जी को देखा, वैसे वो तो सरस्वती का पूरा अवतार है, और मैं भाग्यवान हूँ कि उनके गाने पर मेरा बहुत सारे फिल्मों में मेरा गाना हुआ है, और मैं उनको बर्थडे विश यही करूँगी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत बहुत लंबी उम्र दें, और भी बहुत और स्वस्थ रहें, और हम सबको और भी गाना गाकर एंटरटेन करते रहें। लाली फूल की मेहंदी लगाई।